हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, फॉर लूप के बारे में बात करेंगे और पाइथन में फॉर लूप किस किस तरीके से यूज होगा, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, सबको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो पाइथन की आईडी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से पाइथन की आईडी ओपन करने के लिए यहाँ पे टाइप करता हूँ और ये पाइथन की आईडी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड कर रखना होगा और ये पाइथन की शेल है और यहाँ से जाकर के आपको न्यू फाइल देनी है। यहाँ पर कोडिंग करेंगे और जानेंगे कि पाइथन में लूप फॉर लूप कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक नेम नाम से मैं लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना। लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया राहुल, लिख दिया, ठीक है। तो ये कुछ नाम हमने एंटर करवा दिए हैं इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नाम एंटर करवाया इसको अगर प्रिंट करवाना होगा तो सीधे भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, तरफ उसको शिफ्ट करना है, ये प्रिंट जो है इधर आएगा और अब F5 करेंगे ये रन हो जाएगा और ये पूरा ही आपको लिस्ट दिख रहा होगा, ठीक है। पहचान मैंने बताई दिया कि लिस्ट की पहचान या किसी भी डेटा टाइप की पहचान करनी हो तो यहाँ पे टाइप कीवर्ड का यूज आप कर सकते हैं। तो ये टाइप कीवर्ड यूज करेंगे और ये बता देगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए F5 किया, अब देखिए ये बता दे रहा है कि ये लिस्ट डेटा टाइप है, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें लूप का यूज करें। अब लूप का क्या योगदान है इसमें, इसमें बहुत कोई योगदान तो नहीं है लेकिन दिखा देता हूं कैसे यूज होगा। ये देखिए ये फॉर, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे ए इन, अब ऊपर किस नाम से बनाया, नेम नाम से, तो यहाँ लिख देंगे नेम, NAME नेम लिख करके और यहाँ कॉलन लगा देंगे, इंटेंडिंग यहाँ आती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे प्रिंट लिख करके और यहाँ पे नेम आपको देना है। ये नेम जैसे ही देंगे F5 करेंगे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाएगा, देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से ये प्रिंट करवा के देगा। तो यहाँ पे नेम ना लिख करके हम क्या करते हैं, ये देखिए नेम लिख रहा हूं तो ये कुछ इस सीक्वेंस में प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। नेम लिखेंगे तो ये कुछ इस सीक्वेंस में प्रिंट करेगा। अगर नेम ना लिखे तब क्या होगा, नेम ना लिख करके हमने ए दिया था, ये देखिए ये, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आई होगी। इसके बाद आगे क्या करना है आपको, आगे अगला वाला लूप, अगला वाला स्टाइल समझते हैं, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे एक रेंज नाम का जो डेटा टाइप होता है उसके भी बारे में, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा और हम इसमें देखते हैं, जहां पे लिखा मैंने फॉर ए इन, अब यहां पे देखिए डबल कोट्स ओपन किया, यहां पे लिख देता हूं अपना नाम SURAJ, तो ये लिख दिया और ये लिखने के बाद यहां पे प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, तो यहां प्रिंट लिखा और यहां पे ए को प्रिंट करवा दिया, ए को, ठीक है। F5 करेंगे एंटर करेंगे तो यहां पे ये इंटेंडिंग की एरर थोड़ी सी आ जाती है, तो यहां पे आप कॉलन लगा लीजिए, तो ये लिखा प्रिंट PRINT और यहां पे ब्रैकेट को ओपन किया और यहां पे क्या दे देना है आपको, ए दे देना है, ए ही लिया था हमने तो ए दे दिया और यहां पे F5 करिए, अब हो जाएगा ये। तो देखिएगा तो ये अलग अलग लाइंस में ये प्रिंट करके दे देगा, ठीक है ना। ये एक तरीका है, समझ में आई बात। अब अगला क्या है, अगला इसका स्टेप देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी और स्टाइल में इसको प्रिंट कराना हो या रेंज के साथ, रेंज अरेंज जो फंक्शन है उसका यूज करके करना हो तब क्या करेंगे। तो जैसे मान लीजिए रेंज का यूज करना, अरेंज समझ लीजिएगा बहुत काम का है। देखिए लूप में हमेशा रेंज का यूज होता है, तो यहाँ पे फॉर लूप लगाया और यहाँ पे लिखा ए इन अरेंज RANGE, ठीक है। अरेंज लिख देने के बाद यहाँ पे अगर मैं 6 लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर तो आपके 6 ही प्रिंट होंगे, नंबर तो आपके 6 ही प्रिंट होंगे, लेकिन ये स्टार्ट करेगा 0 से और जाएगा कहां तक, 5 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंटर किया और एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे दे दिया ए, ठीक है। F5 किया, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं यहाँ पे 7 कर देता हूं तो भी 7 ही कैरेक्टर आएंगे लेकिन 0 से 6 तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 0 से 6 तक आएंगे, तो ये देखिए 0 से 6 तक आ रहा है। दूसरी कंडीशन तब शुरू हो जाती है जबकि रेंज का इस्तेमाल थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि यहां पर दो चीजें दे दी जाए। जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया मैंने 2 और यहां पर दे दिया 8, तो अभी इस सिचुएशन में क्या आएगा, इस सिचुएशन में क्या आएगा ये समझना है, ध्यान दीजिएगा। इस सिचुएशन में जो होगा वो आएगा आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक प्रिंट हो जाएगा। ये 5 करता हूं, ये देखिएगा, ये देखिए डिफरेंस देखिए, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ठीक है, 7 तक ये प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये प्रिंट करता हुआ चलेगा, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अब ये 2 और 8 है तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो नहीं आएगा ना, रेंज तो एक माइनस करके देता है, तो इसी तरीके से ये रेंज फंक्शन काम करेगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगला इसका देखते हैं, अगला, ठीक है ना। तो यहां पर चेंजेस फिर करूंगा मैं, चेंजेस क्या करूंगा यहां पे, अब मैं क्या करता हूं 2, 2, 30, 2, 30, 3 कर देते हैं 3, तो ये 3 कर दिया। अब एक को प्रिंट करवाता हूं, अब देखिए
यहां पे 2 के बाद 5 आ रहा है, 2, 30, 3 किया। अच्छा ये बताइए ये 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 3, 4, 5, 3 का अंतर है ना, 3 का अंतर है। फिर देखिए 5 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो जो वहां लास्ट में दे देंगे वो उतने उतने के अंतर पे प्रिंट करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर यहां पे 4 हम दे देते तो ये 4 4 के अंतराल पे प्रिंट करता। तो देखिए ये अब 2 के बाद 6 आ गया, तो 3 4 5 6 4 का अंतर हो गया ना। अगर मैं 5 दे देता हूं तो 5 5 के अंतर पे प्रिंट करेगा, तो ये देखिए ये 5 हो गया, और देखिए ये 5 5 के अंतर पे प्रिंट कर रहा है। देखिए 3 4 5 6 7 5 5 के अंतर पे प्रिंट करने लगा ना, तो जो लास्ट में दे देंगे उसी हिसाब से ये प्रिंट करेगा। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हुई हो। अब लास्ट में नेस्टिंग की बात देख लेते हैं, लूप की नेस्टिंग करवानी है। नेस्टिंग यानी कि लूप के अंदर लूप चलाना, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, तो यहां पर मैं एक बना लेता हूं, लाइक सपोज कीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं कलर, color, एक लिस्ट बना लेता हूं कलर के नाम से। कलर इज इक्वल टू, अब कलर का नाम क्या दे देंगे, यहां रेड दे देते हैं, यहां ग्रीन दे देते हैं, यहां ब्लू दे देते हैं, ठीक है। इस तरह का कोई भी एक एग्जांपल आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये रेड ग्रीन ब्लू दे दिया और इसको बंद कर दिया। अब यहां पे एंटर करके नीचे आएंगे, अब यहां पे बुक की बात कर लेते हैं। तो हम कौन सा बुक पढ़ेंगे, हम लोग यही प्रोग्रामिंग वाला बुक पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे बुझेंगे इसमें, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा पाइथन, तो ये पाइथन हो गया, पाइथन को बंद कर दिया, ऐसे क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर कॉमा दिया, यहां पे लिख देते हैं सी, सी लैंग्वेज के बारे में आपको पता ही है। फिर यहां लिख देते हैं C++, ठीक है। C++ लिखने के बाद कॉमा देते हैं, फिर यहां लिख देते हैं जावा, हो गया। तीन ही दिया था तो तीन ही दे देते हैं, ठीक है ना, हो गया। तीन दे करके इसको बंद कर देंगे, बंद कर दिया। अब एंटर करके नीचे आते हैं, यहां पे लूप लगाते हैं। कौन सा लूप लगाएंगे, फॉर लूप। तो ये लिखा फॉर ए इन, अब देखिएगा यहां पर मैं क्या दे दूंगा, यहां पे दे दूंगा मैं ए इन कलर, कलर दे दूंगा color, ये कलर दे दिया, यहां कॉलन लगा करके एंटर कर दीजिएगा। अब इसके अंदर एक और लूप, अब देखिए यहां पे देता हूं फॉर, देखिएगा बी इन, अब देखिए यहां पे दूसरा वाला बुक दिया था ना, तो ये बी डबल ओ के बुक दे दिया, ठीक है। और फिर यहां कॉलन लगा करके एंटर कर दिया, जैसे ही एंटर करेंगे नीचे आएगा ये, और नीचे आने के बाद क्या करना है आपको, इसको यहां पे इंटेंडिंग थोड़ा सा सही हो जाए ऐसा आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया है हम रखता है, और यहां प्रिंट करवा दीजिए, ये लिखा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद आपको करना क्या है, सीधा सीधा इसको प्रिंट करवाना है, यानी ए कॉमा बी लिख देना है, ठीक है। यानी दोनों को प्रिंट करवाना चाहते हैं, दोनों को एक साथ करना चाहते हैं, ठीक है। F5 किया, एंटर किया, तो आप देखेंगे कि यहां पर रेड पाइथन, रेड सी, रेड ये तो ये यहां पे आ रहा है, ग्रीन पाइथन, ग्रीन सी और ग्रीन सी प्लस प्लस, और फिर देखिए सबके साथ ये नाम लग करके प्रिंट हो रहा है, देख रहे हैं। तो ये बहुत आसान है प्रोग्राम, ठीक है। देखिए सबके साथ ये लगेगा, रेड पाइथन है, रेड सी है, इस तरीके से ये प्रिंट करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे लिस्ट में थोड़ा सा चेंजिंग, क्या चेंजिंग करूंगा, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ये हटा दिया, ये जो लिस्ट बनी थी इसको हटा दिया, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए, क्लोज करने के बाद इसमें भी कुछ चेंजेस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिखते हैं 2, 3, 4, ऐसे लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, ये लिख दिया हमने। अब ये लिखने के बाद क्या करेंगे ना, ये दोनों लूप ऐसे ही लगे रहने देंगे, और यहां पर हम a into b का रिजल्ट प्रिंट कराएंगे, a into b, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अगर मैं F5 करता हूं, एंटर करता हूं, तो ये देखिए ये एक एरर इसलिए आ गई, चलिए हो गया। तो यहां पे देखेंगे ना, तो ये देखिए यहां पे पहले 2 प्रिंट हुआ, अब ये कैसे कैसे प्रिंटिंग हुई ध्यान दीजिएगा, यहां पर a into b किया गया है। a क्या है, ए का मतलब है ए इन कलर, कलर वाला, तो कलर में 1 into 2 क्या होगा, 2 होगा ना। फिर देखिए 1 into 3 होगा ना, यहां पे देखिएगा 3 आया है, ठीक है। फिर देखिए 1 into 4 आया है बिल्कुल आया है, चलिए। फिर यहां पे आते हैं 1 into 5, तो ये 1 into 5 आया है ना, तो इसलिए ये 5 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा 5 तक आ गए हम, 1 into 5, अब देखिएगा 2 into 2 क्या होगा, 4 होगा, तो यहां पे नीचे क्या आया, 4 आया। फिर यहां पे देखिए 2 into 3, तो 2 3 कितना होता है, 6, तो 6 आया है। फिर देखिए यहाँ 3 into 4, 3 4 12, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 12 आया है, 1 मिनट, 2 2 4 2 3 6, और ये देखिए 2 4 8 होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 4 8, यहाँ पे 8 प्रिंट हुआ है ना। और फिर देखिए यहाँ पे 2 5 10, तो यहाँ पे 10 भी प्रिंट हुआ है। अब आ जाते हैं 3 वाले पे, तो 2 3 6 6 आया है, यहाँ पे 6 आया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 3 3 9 होता है, तो 9 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब फिर 3 4 12 होता है, तो 12 यहाँ पे आ गया। अब फिर देखिए यहाँ पे 3 5 15, तो 15 यहाँ पे आ गया। अब देखिए 4 2 कितना होता है, 8, तो यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 4 3 12, तो यहाँ पे 12 आ गया।
फिर देखिए यहाँ पे 16 दिया गया है, तो चार चौको कितना होता है, चार है ही चार है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, चार चौको 16, ठीक है, तो 16 आ गया। और फिर देखिए चार पचे 20, तो ये 20 दिया गया, तो इसी तरीके से ये प्रिंट करेगा, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस और परफॉर्म करते हैं, क्या चेंजेस करेंगे आइए देखते हैं, समझिए इस चीज को, समझ लीजिएगा तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी लूप में, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर a माइनस बी कर देता हूं, a माइनस बी, अब यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, अगर मैं a माइनस बी कर देता हूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है आपको आए, ठीक है ना। a माइनस बी करने से क्यों प्रॉब्लम आएगी उसको समझना जरूरी है, ठीक है। एक में से दो घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस वन आएगा, पहले माइनस वन आएगा, फिर एक में से तीन घटाएंगे तो क्या आएगा, तो माइनस टू आएगा, ठीक है ना। एक में से तीन घटाएंगे तो माइनस टू आएगा। अब देखते चलिए, यहां पर ये देखिए, ये एक में से दो घटेगा तो माइनस वन आएगा, और एक में से तीन घटेगा तो क्या आएगा, माइनस दो आएगा, और फिर एक में से चार घटेगा तो एक में से चार घटाएंगे तो यहां पर आएगा माइनस थ्री, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आगे देखिएगा, एक में से पांच को घटाएंगे तो यहां पे क्या आएगा, माइनस फोर आएगा, ऐसे ही करके आप चलेंगे, ठीक है। फिर देखिए, फिर दो में से दो घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, दो में से दो घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, क्यों दो में से दो घटा रहे हैं, यहां पर देखिए ये सिचुएशन देखिए, ये दूसरे वाले से फिर इसके, ठीक है ना। और फिर दो में से तीन घटाएंगे तो क्या आएगा, दो में से तीन घटाएंगे जाहिर सी बात है माइनस वन आएगा, तो यहां पे जैसे ही आप दो में से तीन माइनस करेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस वन। इसी तरीके से सीक्वेंसिंग होगी, ठीक है ना, आगे और भी सीक्वेंसिंग होगी, जब ये वाला जो लिस्ट है वो पूरा हो जाएगा, जैसे दो वाला पूरा हो जाएगा तो फिर तीन वाला चलेगा, फिर चार वाला चलेगा, और फाइव करेंगे तो ये देखिए प्रिंटिंग बिल्कुल उसी के मुताबिक हुई है। मैंने क्या बताया था, पहले माइनस वन, फिर माइनस टू, माइनस थ्री, ठीक है, फिर माइनस फोर, फिर जीरो, तो जीरो आ गया है ना। इसी तरीके से ये चलेगा, तो जब भी लूप की नेस्टिंग होती होना था ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही आपका प्रिंट होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। डिवाइड करेंगे, अगर यहां डिवाइड दे दिया जाए तो डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, तो बहुत आसान है, ठीक है, ओके।